सरला अपनी होने वाली बहू पाखी और अपने बेटे विजय की शादी करवा रही होती है। चार फेरे ही हुए होते हैं कि सरला को उसके पंडित जी का कॉल आता है और उनसे बात करने के बाद सरला मंडप के पास आती है और शादी को रुकवा कर बोलती है, ये शादी यहीं रोक दो, ये शादी अभी नहीं हो सकती। क्यों माँ, आपने ही तो हमारी शादी तय की थी और अब आप खुद ही मना कर रही हो, क्या हुआ आप बताओ तो सही, सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, आपने शादी को आधे में ही क्यों रोक दिया, अभी तो बस चार ही फेरे हुए हैं ना। मेरे गांव वाले पंडित जी का मुझे अभी कॉल आया था, उन्होंने मुझे बताया कि ये शादी के लिए उचित समय नहीं है और तुम दोनों की कुंडली भी देखी है, पता चला कि ये शादी हुई तो भारी संकट आ सकता है। माँ जी, आज के समय में भी आप ये सब मानती हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ माँ, आपने तो हम दोनों की शादी भी सब कुछ देख कर तय की थी, अब अचानक से पंडित जी मना कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है माँ, यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं, शादी को बीचों बीच कैसे रोक सकते हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस अपने बच्चों की फिक्र है, इसलिए मैं जो बोल रही हूँ वही ठीक होगा। लेकिन माँ जी, कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना, आपके पंडित जी की अनुमति से आज के दिन शादी हो रही है और आप मना कर रहे हैं, ये भी कोई बात हुई भला? मुझे तुझे अपने घर की बहू बनाने में कोई परेशानी नहीं है, जब दोष चल रहा है तो तुम दोनों की कुंडली में शनि भारी है, तो ये मैं खतरा लूं ही क्यों? तुम दोनों मेरी बात समझो ना। लेकिन माँ, पाखी कहाँ जाएगी अब, आधी शादी हुई है, इसके तो घर वाले भी नहीं है, और शादी को ऐसे बीचों बीच छोड़कर हम चले जाएंगे तो पाखी के लिए अच्छा नहीं होगा माँ, कोई रास्ता तो होगा ना? जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता तब तक पाखी हमारे साथ रह लेगी, और वैसे भी आधी शादी तो हो ही गई है ना, तो आधा ही सही लेकिन हक तो है ना घराने का। पता नहीं ये क्या आधी शादी हुई है, तो आधे हक का क्या मतलब है, और ये पंडित जी को भी अभी कॉल करना था क्या, थोड़ी देर बात कर देते तो आधी नहीं पूरी शादी हो जाती मेरी। अच्छा हुआ पंडित जी ने थोड़ी देर पहले ही कॉल कर दिया और हमें पता चल गया, वरना शादी होने के बाद पता चलता तो ना जाने क्या ही होता, भगवान हमारे साथ है तभी तो हमें पता चला। आपके लिए ही अच्छा है, यहाँ मुझसे पूछो, शादी के मंडप से आधी शादी करके जा रही हूँ, मुझे कैसा लग रहा होगा? चलो अब घर चलो, क्योंकि माँ के आगे तो किसी की नहीं चलने वाली है, आधी शादी वाली दुल्हन का ही स्वागत कर लेते हैं घर में। पाखी और विजय की शादी को बीच में ही रुकवा कर सरला दोनों को घर ले आती है। पाखी आधी शादी करके घर तो आ जाती है, लेकिन उसे शादी के आधे हक ही मिलते हैं। जैसे पाखी विजय के कमरे में जा ही रही होती है, तभी वहाँ सरला आ जाती है और पाखी से बोलती है, बहू कहाँ जा रही है, तुझे पता नहीं है क्या ये विजय का कमरा है, तो तू यहाँ क्यों जा रही है? माँ जी, शादी हो गई है तो अब ये मेरा भी कमरा हुआ ना, इसलिए मैं अपने पति के साथ उसके कमरे में ही रहूंगी ना। आप भी कैसी बात कर रही हो माँ जी, ये सब कोई पूछने वाली बात होती है भला? हाँ मुझे पता तो है, लेकिन शायद तुझे नहीं पता, शादी हुई तो है लेकिन आधी ही हुई है, इसलिए तू विजय के साथ उसके कमरे में नहीं रह सकती। अब समझ गई मैं क्यों मना कर रही हूँ तुझे, चल जा अब। माँ जी आधी ही सही, लेकिन शादी तो हुई है ना, अब मैं आधी शादी करके ससुराल आ सकती हूँ तो अपने पति के साथ भी तो रह सकती हूँ ना। और हाँ, अब बोलना मत कि पंडित जी ने भी मना किया है। ये पंडित जी नहीं, तेरी सासू जी मना कर रही है, आधी शादी का मतलब होता है आधे हक बस। आधे हक का क्या मतलब है माँ जी आपका? यही मतलब है कि तेरी और विजय की आधी शादी हुई है तो तेरा ससुराल आने का हक बनता है, लेकिन आधी शादी के चलते विजय के कमरे में रहने का हक नहीं है, और ये बात तुझे बार बार नहीं बतानी पड़े। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। पाखी तो इसी बात की असमंजस में रह जाती है कि अब वो अपने आप को शादीशुदा कहे भी या नहीं, क्योंकि शादी तो हुई है उसकी लेकिन आधी ही हुई है, और ये बात पाखी को बार बार याद दिलाई भी जा रही थी। ऐसे ही पाखी की आधी शादी को धीरे धीरे एक महीना होने को था। कुछ दिनों बाद सरला के घर उसकी पड़ोसन ममता आती है और सरला को बुलाकर बोलती है, अरे सरला, तू अपनी आधी बहू की मुंह दिखाई करेगी के नहीं करेगी? अरे कुछ समय रुक जा, जो आधी शादी हुई है ना, मैं उसे धूमधाम से पूरी शादी करूंगी, बस एक बार पंडित जी से आज्ञा मिल जाए, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि सब ठीक है, इसलिए रुकी हुई हूँ। तू भी अजीब है, पहले तो तुझे अपने घर पर बहू लाने की इतनी आस थी, और इतने दिनों बाद आखिरकार तेरी जिंदगी में वो पल आया तो तूने आधा अधूरा ही छोड़ दिया। मेरी बात मान तो आजकल मैं अपने आधी बहू और बेटे की शादी निपटा दे। नहीं, जब तक पंडित जी सामने से आज्ञा नहीं देंगे
तब तक आधी बहू को पूरी बहू नहीं बना सकती। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन अपनी आधी बहू के हाथ की चाय तो पिला दे। सरला पाखी को चाय बनाने के लिए बोल देती है और थोड़ी देर बाद पाखी चाय के कप को लेकर आती है, लेकिन उसमें चाय नहीं होती। ये देखकर ममता बोलती है, तूने अपनी बहू को कप लाने को बोला था या चाय? इतनी भी क्या कंजूसी करनी? ये क्या है बहू, चाय कहाँ है और तूने खाली कप लाकर क्यों दे दिया हमें? तुझे चाय लाने को बोला था। माँ जी, आपने ही तो बोला था ना कि मेरी आधी शादी हुई है तो आधे ही हक है मेरे। मैं कप ले आई हूँ, अब आप चाय ले आइए। मैं तो बस आपकी बात का कहा मान रही हूँ। ले, तेरी बहू तो तुझसे भी चार कदम आगे निकली। वैसे सही है, तू ही बोल रही है ना कि आधी बहू है मेरी, तो उसने आधी बहू के हिसाब से आधे ही हक का काम किया है, बाकी का तू देख। अब ये क्या है बहू, ज्यादा ही दिमाग चला लिया तूने। क्यों माँ जी, इसमें क्या दिमाग चलाया है मैंने? अब मैंने आपकी ही बात का मान रखा है तो इसमें भी क्या परेशानी है? आप ही तो बोलती रहती है ना, आधी बहू आधा हक, तो मैंने भी वही किया है। पाखी भी अब तो वैसे ही करने लग गई जैसे सरला कर रही थी। अब घर में भले ही पाखी की आधी शादी हुई हो, लेकिन सास बहू तो एक दूसरे को ऐसे टक्कर देने में लग गए कि पूरी शादी हो गई। कई दिनों तक घर में ऐसे ही चलता रहता है। कभी कोई काम होता तो पाखी आधी शादी का आधा हक का ताना मार देती, तो कभी पाखी को विजय के साथ कहीं जाना होता तो सरला भी वैसा ही करती। धीरे धीरे समय निकल रहा था, लेकिन पूरी शादी की कोई बात ही नहीं हो रही थी। कुछ दिनों बाद पाखी और विजय की लड़ाई हो रही होती है और पाखी गुस्से में बोलती है, विजय ये क्या है, मैं तुम्हारे घर में इतने समय से रह रही हूँ, लेकिन अभी तक ना मेरी शादी पूरी हुई है ना ही मुझे शादी के पूरे हक मिले हैं। तुम अपनी माँ को समझाओ ना, ऐसे थोड़ी होता है। तुम जानती तो हो माँ पंडित जी को कितना मानती है, हम उनकी आज्ञा के बिना शादी नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तुमने इतना समय निकाल लिया है वहाँ थोड़ा और निकाल लो ना, अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो मैं खुद जाकर माँ से बात करूँगा, अब तो ठीक है ना? नहीं, ऐसे नहीं होता है, तुम जाओ माँ जी से अभी बात करो, वरना मैं नहीं रह सकती इस आधी शादी में। मुझे मेरा पूरा हक चाहिए शादी का, समझ गए? अब जाओ अभी बात करो, वरना मुझे नहीं पता कहाँ जाऊंगी, लेकिन सच में चली जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो, मैं कौन सी दूसरी शादी करके आ रहा हूँ? शादी आधी हो या पूरी हो, हुई तो तुमसे है ना, तो कोई बात नहीं ना, थोड़े दिन बाद पूरी हो जाएगी। दोनों की आवाज बाहर तक भी जा रही होती है। ये सुनकर वहाँ सरला जाती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम दोनों इतनी जोर जोर से क्यों झगड़ा कर रहे हो? बाहर तक आवाज आ रही है, आधी शादी में ये हाल हो रहा है, पूरी शादी होगी तो क्या करोगे तुम दोनों? पूरी शादी होगी तो ना, माँ जी आपको हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना, कब तक हम दोनों आधी शादी को निभाते रहेंगे, अब तो पूरी ही कर लेते हैं ना। पाखी ने इतना बोला ही होता है कि तभी सरला को पंडित जी का कॉल आता है और वो अधूरी शादी को पूरा करने के लिए आज्ञा दे देते हैं। ये सुनकर सरला बोलती है, चलो कोई बात नहीं, अब खुश हो जाओ क्योंकि पंडित जी ने शादी करने के लिए बोल दिया है। सरला की बात सुनकर सब खुश हो जाते हैं और पाखी को जो आधी शादी के आधे हक मिलते थे वो पूरी शादी होने के बाद मिल जाते हैं।